डियर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं डियर्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स की, और एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम के आपको जो है इंशाल्लाह डिटेल बताएंगे, आंसर्स विद रीजंस बताएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है आपसे हम ये भी बताएंगे कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ पर इसके नोट्स भी हैं, तो आप वो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, और आप उसको अपनी नोटबुक पे जो है वो उतार भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सवाल ये किया जा रहा है कि द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस, ऐसा न्यूरॉन जो कि एकदम आपको बताएगा कि कुछ ना कुछ स्टिमुलस हुआ है। स्टिमुलस से मुराद है कि कोई ना कोई टच हुआ है, या कोई आवाज़ सुनाई देगी, या कोई टेस्ट आपने किया है किस चीज़ को। तो मतलब ये है कि स्टिमुलस कहते हैं आगाही को, आपको पता बताने वाला आपकी बॉडी में। स्किन के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी ज़ुबान में भी कुछ न्यूरॉन्स हैं, कानों में भी कुछ न्यूरॉन्स हैं, आँखों में भी साइट का स्टिमुलस होता है, आँखों में भी कुछ न्यूरॉन्स हैं। तो यू डो हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बल्कि ये जो लिखे हुए हैं यही न्यूरॉन्स, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, लेकिन इसमें से वो कह रहा है कि स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, यानी कि न्यूरॉन विच डिसाइड्स अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन, कि जो डिसाइड डिसीजन लेता है कि भाई एक्शन होना है कि नहीं होना। तो वो याद रखिएगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करता है, तो ये डिसाइड करता है कि इधर ये मैसेज आगे मैंने डेफिनेटली इंटर न्यूरॉन को देना है कि नहीं देना। फिर इंटर न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वो फिर डेफिनेटली डिसीजन ये भी लेता है। तो स्टूडेंट, सेंसरी जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये सेंस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो सर्टेन एक्शन लेना है, डिसाइड करना है, डिसाइड करने का काम हमेशा याद रखो ब्रेन करता है, और ब्रेन में कौन से होते हैं न्यूरॉन्स? इंटर न्यूरॉन। तो लिहाजा सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, एक ऐसा न्यूरॉन जो मैसेजेस रिसीव करता है, यानी न्यूरॉन के बहुत से हिस्से होते हैं, जैसे अभी मोटर न्यूरॉन में आपको दिखा रहा हूँ, इसके बहुत से हिस्से हैं, ये जो सेल की तरफ आ रहे हैं कुछ फाइबर लाइक, या कह लें थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये हमेशा दूसरे कह लें कि न्यूरॉन से मैसेजेस लेते हैं, और फिर डेफिनेटली ये मैसेज जो है चला जाता है टूवर्ड दी सेल बॉडी, और फिर ये जब सेल से मैसेज अवे जा रहा होता है तो उस हिस्से को एग्जॉन कहा जाता है। तो ये ऊपर जो आपको गोल गोल से ये कबाब से नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज श्वान सेल्स, तो इनके बारे में बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे। तो लिहाजा ये जो है एग्जॉन है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो कि मैसेजेस को लेके जाएगा सेल से, और लेके आने का काम मैसेज सेल की तरफ कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं जो रिसीव करते हैं मैसेज, याद रखिए हमेशा वो क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स होते हैं। सेल बॉडीज़ के पास वो मैसेज जाता है, और एग्जॉन्स तो मैसेज लेके जाते हैं, और सेल बॉडीज़ के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, तो ये तो वैसे ही मास्टर होता है, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये तो कहीं पर भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड MCQ है, हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल कौन सा ब्रेन का हिस्सा कर रहा होता है? सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेड्यूला ऑब्लॉन्ग गेटा, या हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मेड्यूला ऑब्लॉन्ग गेटा के बारे में लिखा कि मेड्यूला ऑब्लॉन्ग गेटा जो है वो कंट्रोल्स करता है हार्ट बीट को, तो लिहाजा आप हार्ट बीट को इजीली आंसर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज हार्ट बीट, एंड आई होप के हार्ट बीट का जो है मेड्यूला ऑब्लॉन्ग गेटा, और इनके भी फंक्शंस हैं, इनके भी याद कर लीजिएगा, मतलब चारों के फंक्शंस आपको आने चाहिए ताकि कोई और भी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। फिर अगला सवाल है, मैनी एग्जॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, तो एक कॉमन शीथ में जो है सारे जो है एग्जॉन्स को रख दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो याद रखो कि बहुत से एग्जॉन्स को अगर एक शीथ में कवर कर दिया जाए, जिस तरह मैंने आपको एग्जॉन दिखाया था, जैसे मैंने आपको ये एग्जॉन दिखाया था, तो ये बहुत से एग्जॉन्स हो, उनका बंडल हो एग्जॉन्स का, तो उनको क्या करेंगे? एक शीट में कवर कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम फिर नर्व इम्पल्स, सॉरी, इसको हम नर्व कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सुबह से बच्चे नर्व लगा देते हैं, नर्व सेल लगा देते हैं, गलत होगा, क्योंकि नर्व कहेंगे इसको, नर्व सेल तो एक सेल होता है ना, न्यूरॉन को कहते हैं, तो नर्व इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इसको हम नर्व कहेंगे। बहुत से एग्जॉन्स को अगर एक शीन, जिस तरह हम चादर में नहीं लपेटते, बहुत से गन्ने ले लें आप, ठीक है, तो उनको चादर में लपेट दें, तो इस तरह ही बहुत से एग्जॉन्स को हमने एक चादर में लपेटा, उस चादर को शीथ कहते हैं, तो इसी तरह से। उसके बाद जी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस कहाँ लेके जाते हैं? तो याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन में होते हैं इंटर न्यूरॉन्स,
और फिर ब्रेन जो है डेफिनेटली डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, और वो किसको मैसेज देगा, इफेक्टर्स को जो कि होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, बल्कि जो ब्रेन है वो मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन फिर आगे मसल सेल्स को मैसेज देता है। तो लिहाजा सेंसरी जो है वो मैसेज किसको देगा, इंटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो लिहाजा सेंसरी कैरी मैसेजेस टुवर्ड्स दी इंटर न्यूरॉन्स। तो डेफिनेटली जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है, ये सेंसरी न्यूरॉन सारे मैसेजेस किसके पास लेके जाएंगे, पहले स्पाइनल कार्ड के पास लेके जाएंगे और फिर ब्रेन के पास, स्पाइनल कार्ड ब्रेन के पास लेके जाएंगे। कभी कभी कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट ही ब्रेन के पास मैसेज ले जाती हैं, स्पाइनल कार्ड के पास लेके नहीं जाती। तो जिस तरह मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये स्पाइनल कार्ड है और ये ब्रेन है, तो कुछ जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ना, वो जिस तरह लेट से यहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट ब्रेन के पास मैसेज ले जाती हैं। तो कुछ होती हैं जो पहले स्पाइनल कार्ड के पास लेके जाती हैं, फिर स्पाइनल कार्ड ब्रेन के पास लेके जाते हैं। तो ये सारी थ्योरी है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, बेसिकली इसका आंसर जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इफ़ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज, अगर हमारी बॉडी मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो रही है, मतलब प्रिसाइज मीन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, एंड एक्यूरेट, प्रिसाइज मीन जिस तरह होनी चाहिए, एक्यूरेट मीन बिल्कुल सही होनी चाहिए, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी इन्वॉल्व, यानी कि अगर हमारी बॉडी मूवमेंट हम खड़े होना चाह रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, चक्कर आ रहे हैं, हमें गोल गोल घूम रहे हैं, तो इफ़ द बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज, तो ऐसा क्या मसला हुआ, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी इन्वॉल्व, कौन सा फिर हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है वो इन्वॉल्व होगा, सेरिबलम, सेरिब्रम, थैलेमस, मिड ब्रेन, कौन सा हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइंड ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है हमारे पास ब्रेन का, ये देखें, ये हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है, इसके तीन हिस्से हैं, सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, सेरिब्रम की बात नहीं कर रही हैं, सेरिब्रम की बात कर रही हैं। तो सेरिब्रम में जो है आप कह लें कि हमारे पास हिस्सा है, सेरिब्रम हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ये क्या करता है कि ये मेंटेन करता है, ठीक है, हमें काबू रखवाता है, बैलेंस रखवाता है, मेकिंग प्रिसाइज मूवमेंट्स करवाता है, एक्यूरेट मूवमेंट्स करवाता है, ठीक है जी। तो लिहाजा आप आंखें बंद करके आप जवाब लिख लें, सेरिब्रम, सॉरी आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं, सो इसका जवाब क्या होगा, सेरिब्रम, राइट। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, व्हेन यू हैव अ टूथेक, आप समझते हैं टूथेक क्या होती है, टूथेक एक का मतलब होता है दर्द होना, जैसे आपने लव सुना होगा हेडेक, हेडेक का मतलब है सर में दर्द होना, तो एक दर्द होती है, टूथेक मीन कि आपके दांतों में दर्द हो रही है। तो अगर आपको टूथेक है, यू फील पेन बिकॉज, आपको अगर दर्द हो रहा है तो आखिर क्यों दर्द हो रहा है, तो हम जरा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, देयर इज अ कैविटी इन योर टूथ, आपके दांतों में टाटर है, गंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है, टाइनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, कुछ छोटे मोटे ज़रात जो हैं वो आपके टीथ में पड़े रह गए हैं, बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड लेफ्ट बिटवीन योर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड, यानी कि बैक्टीरिया जो है उसने कुछ आपके जो फूड में, आपके जो दांतों में फूड था ना, उसको बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट किया है और फिर जो है कह लें कि जो उसने एक एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब जब उसने बैक्टीरिया ने फूड डाइजेस्ट किया ना, आपके दांतों में फंसा हुआ था, तो फिर उसने एक एसिड बनाया जिस वजह से आपको टूथेक हो रही है, द कैविटी रीचेज द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, तो यानी कि कुछ कैविटी जो है वो कुछ नर्व्स वगैरह ने मतलब जो कैविटी है, मतलब जो गनपल है वो कुछ नर्व्स तक चला गया है और फिर नर्व ने जो है मैसेज कर दिया ब्रेन को, इसलिए दर्द हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब ब्रेन को पता लगेगा तो दर्द महसूस होगा ना, अगर ब्रेन को पता नहीं लगेगा तो दर्द कैसे महसूस होगा, एसिड पैदा हो रहा है, ब्रेन को पता नहीं लग रहा तो दर्द नहीं होगा। टाइनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर, यानी कुछ छोटे मोटे ज़र्रात अगर आपके दांतों के दरमियान है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ब्रेन को पता नहीं लग रहा तो देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ, अगर आपके दांतों में कोई कैविटी है, गनबला है, तो तब भी आपको, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं लगेगा। तो आई थिंक सो कि सूटेबल आंसर तो सारे ही हैं, ये सारी वजूहत बन सकती हैं आपके टूथेक की, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर मुझे लग रहा है वो डी है, क्योंकि कैविटी जो है वो रीचेज दी नर्व्स, जो आपके गनबला था वो किधर चला गया, वो नर्व्स तक चला गया, तो नर्व्स ने फिर ब्रेन को कहा कि भाई देर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड दी कैविटी, इनसाइड दी स्पेस ऑफ द टूथ, लिहाजा तो मैं इसको, तो मैं, मेरे ख्याल में ये आंसर जो है इसका डी होगा। सो द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स अब आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ऐसा आपका जिस्म का हिस्सा जो आपके ब्लड में से फिल्टर करेगा
फुजला को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। तो मैं आपको नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बता देता हूँ, यूरिया होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। चलो मैं आज आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आप ये जो कह लो कि नाइट्रोजीनियस ब्लड वेस्ट है जो ब्लड में से जो फिल्टर करता है, वो कौन सा आपके जिस्म का हिस्सा है? तो स्टूडेंट्स याद रखो, किडनीज के अंदर जो होते हैं ना फंक्शनल यूनिट होते हैं, इनमें नेफ्रॉन्स, तो वो ये काम करते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है इसके बारे में भी, तो आप पढ़िएगा ज़रूर। तो किडनी बेसिकली आपके ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को साफ करती है। तो किडनी बहुत अहम ऑर्गन है, दो किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में। 10th क्लास में आप डिटेल के बाद इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर रीअब्सॉर्प्शन एंड यूजफुल मटेरियल्स अकर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, यानी कि आप कह लो कि नेफ्रॉन का हिस्सा है के बारे में पूछा जा रहा है कि वेयर रीअब्सॉर्प्शन एंड यूजफुल मटेरियल अकर्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट ब्लड, यानी अब नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो आपने याद करने हैं। ये देखें, ये नेफ्रॉन बना हुआ है ये किडनी के अंदर ना, इस तरह का एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब्स होती हैं। इस हिस्से को ट्यूब के हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब ट्रिब्यूल, और ये वाला जो बहुत देर बाद आता है जाके, इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्रिब्यूल। तो अब याद रखो कि एक ये कलेक्टिंग ट्रिब्यूल भी होता है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो एक ट्यूब का हिस्सा होता है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो अब सवाल ये किया जा रहा है कि कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स कराता है, यानी कि जो भी मतलब नाली में मतलब इस ट्यूब में डेफिनेटली सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वापस जो है वो ब्लड को दी जाती हैं। तो वो कौन सा हिस्सा देता है? वो ग्लोमेरुलस देता है, वो रीनल ट्यूब्यूल देता है, कलेक्टिंग डक्ट देता है, या बोमन्स कैप्सूल देता है? स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से सब कुछ जो है, ये जो ब्लड कैपिलरी समझ लो आप, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से ये ट्यूब के अंदर आ जाता है सारा, मतलब ब्लड अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें ब्लड में से ना सब इसके अंदर आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। मतलब कह लो कि जो ट्यूब के हिस्से को यहाँ पे हम बोमन्स कैप्सूल कहेंगे। तो फिर यहाँ पर सारा कुछ इसमें मूव करना शुरू कर जाते, तो ये सारे इसके मुख्तलिफ नाम भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस हिस्से में रीअब्सॉर्प्शन भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सारी ट्यूब को पता क्या कहोगे आप? रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहोगे? रीनल ट्यूब्यूल। तो लिहाजा मैं इसको आंसर लगाऊंगा रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल तो सब कुछ रिसीव करता है ना, ग्लोमेरुलस सब कुछ ब्लड में से देता है, कलेक्टिंग डक्ट तो जो फुजला होता है ना वो बस रिसीव करती है, याद रखना। ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है ना, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा इसमें आ जाता है, लेकिन ये समझ लो कि सिर्फ 1% वेस्ट मटेरियल इसमें आता है, बाकी 99% तो दोबारा यहाँ से, यहाँ पे ना होती हैं कुछ कैपिलरीज गोल गोल घूम रही होती हैं, इन्होंने बनाई नहीं है, तो गोल गोल कैपिलरीज घूम रही होती है, सारा फिर वहाँ से निकल निकल के दोबारा कैपिलरीज में चला जाता है ब्लड, मतलब जिस तरह यहाँ से निकलता है तो वापस ब्लड में चला जाता है, मतलब ब्लड से ही इस रीनल ट्यूब्यूल में यू नो ब्लड आता है, ब्लड तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल कुछ यूजफुल मटेरियल आता है, तो फिर जो यूजफुल मटेरियल होता है ना सारा का सारा वापस कैपिलरीज में चला जाता है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो सारा किस में आ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है जो चल रहा है। उसके बाद हम आखिरी एमसीक्यू की बात करते हैं फिलहाल, और फिर उसके बाद हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सारी बात करेंगे, इवन सारे सवालों की बात करेंगे, ठीक है। अब सवाल है जी, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू, जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो होता क्या है? स्टोर यूरिन, फॉर्म यूरिन, पुश आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेक स्टोन्स इन किडनी। तो याद रखो नेफ्रॉन का काम जो होता है ना वो होता है फॉर्म यूरिन, यूरिन पैदा करना, ठीक है। यूरिन स्टोर करने का काम कौन करता है? ठीक है, ये वाला ऐसा करता है, इसे हम कहते हैं ब्लैडर, ठीक है। इसे हम पेशाब की थैली भी कहते हैं और ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। और पुश आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन को बाहर निकालने का काम भी यूरिनरी ब्लैडर ही करता है। आपको हाजत होती है ना जब यूरिन आ रहा होता है, तो यहीं से फिर सारा यूरिन बॉडी से बाहर, ये जो जगह है इसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, यहाँ से फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन। और फिर ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, तो डेफिनेटली नेफ्रॉन को स्टोन्स को, जो हमारी ना किडनी होती है इसमें स्टोन्स भी हो जाते हैं, तो कुछ स्टोन्स को ब्रेक करने का काम तो डेफिनेटली नेफ्रॉन नहीं करता, वो तो बाहर डॉक्टर करेंगे या कोई श्वाएँ वगैरह मारते हैं, वो तो एक अलग बात है। तो लिहाजा ये तो नॉन सेंस का
सही जवाब से लग रहा है मुझे तो, लेकिन बी इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो नेफ्रॉन है वो यूरिन बनाता है। नेफ्रॉन अगर ना हो ना तो फिर आपका यूरिन नहीं बनता। जिनके नेफ्रॉन ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर उनको डायलाइजर मशीन पे लगाया जाता है और उनको फिर बेचारों को यू नो मशीन के थ्रू उनके ब्लड को साफ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पैगाम और अभी हम चलते हैं एमसीक्यूज़ का, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आपसे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके मेन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है फोर ब्रेन है, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके नाम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम मेन पार्ट्स देखें फोर ब्रेन के तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें सेरिब्रम, ये सारा हिस्सा सेरिब्रम कहलाते हैं। फिर ये सेरिब्रम के नीचे होता है थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है और थैलेमस के नीचे एक और थैलेमस होता है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो थैलेमस के नीचे एक और थैलेमस होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए? तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाइंड ब्रेन के भी मेन पार्ट्स आपने बताने हैं। स्टूडेंट्स हाइंड ब्रेन के भी अगर मेन पार्ट्स की तरफ देखें तो इसके भी तीन पार्ट्स हैं। वहाँ पे सेरिब्रम था, सेरिब्रम, यहाँ पे है सेरिब्लम, तो लिहाजा सेरिबैलम भी इसको बोल दिया जाता है, सेरिबैलम। तो सेरिबैलम या सेरिब्लम, पॉन्स एक और हिस्सा है। सेरिबैलम जो है ये बेसिकली बैक साइड पे आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है, कोई डार्क ब्राउन हिस्सा। पॉन्स जो है ये बेसिकली आप कह लें कि स्पाइनल कर्ड के कोई ऊपर बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा, जिस तरह किसी आप लाठी का टॉप हिस्सा देखते हैं ना, जो एक बाबा जी कोई लाठी इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए, तो उसका टॉप तीन हिस्सा जो है दैट इज़ पॉन्स। और फिर उसके जो टॉप तीन हिस्से से नीचे ज़रा सा अगर आप जाएं तो दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है एक और इसका हिस्सा होगा। सो सेरिबैलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीन हिस्से हो जाएंगे जो कि हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन के मेन पार्ट्स के नाम बताएं। स्टूडेंट्स कोई भी न्यूरॉन हो उसके अंदर आपको ये डेफिनेटली जो पार्ट्स बताए जा रहे हैं ये होते हैं लाजमी। उसमें डेंड्राइट्स भी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहा होता है। उसके अंदर आपको पता है एक लिक्विड होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाहर, यानी सेल के अंदर आपको पता है एक लिक्विड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब सेल होता है, प्लाज्म का मतलब लिक्विड होता है, सेल का लिक्विड। तो इसी तरह से इस सारे ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है सेल बॉडी बनाती हैं। फिर व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या आप सेल बॉडी से दूर जा रहे होते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एग्जॉन कहते हैं। ये भी हिस्सा होता है न्यूरॉन का। और फिर बिल्कुल अगर एंड पे देखें तो कुछ ब्रांचेस बन जाती हैं एग्जॉन्स की, इनको भी एक फिब्रस ब्रांचेस कह लें आप, तो इनको हम टर्मिनल एग्जॉन्स कहते हैं या टर्मिनल एंड्स ऑफ एग्जॉन्स कहते हैं। तो यही मेन पार्ट्स हैं। अगर आप कहें कि किसी और सेल में भी ये पाए जाते हैं तो जिस तरह ये अब सेंसरी न्यूरॉन है, ये तो मोटर न्यूरॉन था जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो सेंसरी न्यूरॉन में भी आपको अब सेल बॉडी नज़र आ रही है, डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं, एग्जॉन। तो अब ये तीन चले चीज़ें कम अज़ कम तो लाजमी देख लें, ये सेंसरी न्यूरॉन है। फिर ये देखें ये अब आपके पास जो है ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें भी आपको सेल बॉडी और एग्जॉन नज़र आ रहा है, ये इंटर न्यूरॉन है। और इस तरह से अब फिर नीचे जो है मोटर न्यूरॉन भी जो मैं आपको दिखा रहा था ये वही है दोबारा से बना हुआ। तो ये जो आपको एक ये हैमबर्गर जैसे या हॉट डॉग्स जैसे आपको ये बॉडी नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड दी श्वान सेल्स, इसे हम श्वान सेल कहते हैं। तो ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एग्जॉन, ये हैं सबसे मेन हिस्से किसी भी न्यूरॉन के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि नेफ्रॉन जो है इसके कोई मेन पार्ट्स बताएं। अब नेफ्रॉन आपको पता है कि किडनी में पाया जाता है, तो नेफ्रॉन किडनी में होता है, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट है। तो इसके कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं इस पर भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नेफ्रॉन, किडनी में से निकलता हुआ नेफ्रॉन, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब होती है, इसके बारे में मैंने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो ये जो इसका हिस्सा है दैट इज़ रीनल कॉर्पसल एंड दैट इज़ रीनल ट्यूब्यूल, ये बड़ी क्लासों में आपको यू नो कैटेगराइजेशन करवाई जाएगी, लेकिन अभी इसको हम ये जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे, जो आर्टरीज़ वगैरह ये इसका मेन पार्ट होता है।
फिर इसमें जो ये आर्टरीज़ को जो है कवर करने वाला एक मेन पार्ट होता है, उसको हम वुमेंस कैप्सूल कहेंगे। उसके बाद फिर ये हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहेंगे। उसके बाद फिर ये नीचे लूपो फैनले आ जाएगा, एक ट्यूब बढ़ती चली जाएगी और फिर यू नो और उसके बाद लूपो फैनले कहलाएगा। उसके बाद ये लूपो फैनले फिर मूव करेगा ट्यूब का स्ट्रक्चर टूवर्ड्स दी डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये भी इसका एक मेन पार्ट होगा। और फिर आखिर में एक बड़ी सारी ट्यूब आ जाएगी जो बहुत से नेफ्रॉन्स को अपने साथ जोड़ रही होगी यू नो, तो इसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस वीडियो में एक लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया अबाउट दी 1.2 क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करूँगा 1.3 की। जी तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1.3 की। इसमें लिखा हुआ है कि राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से इनके फंक्शन जो हैं हमने अब आपको बताने हैं। सो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, और इसके अलावा नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, राइट। तो इनके हमने फंक्शंस की जो है वो बात करनी है आपसे। तो सबसे पहले जो है फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फोर ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन है कि जो आपको याद होगा कि हमारे पास जो फोर ब्रेन है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिनमें हमने थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम के बारे में पढ़ा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, तो बेसिकली जो है हम इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेरेब्रम की बात कर लेते हैं कि सेरेब्रम जो है वो थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, इमोशंस, देखने को, सुनने को, परसेप्शंस, हमारे जो ख्यालात हैं, परसेप्शंस का मतलब होता है ख्यालात। तो हमारे जो दिमाग में ख्यालात आ रहे होते हैं ना, मतलब आगे आने वाले दौर में क्या होगा, कल मैंने अपनी फूफों के घर जाना है और वहाँ पर जाकर मैंने खेलना है अपने कज़न्स के साथ, तो ये आपको घर में बैठे ही कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं, तो उसको हम परसेप्शंस कहते हैं। इस तरह ही मेमोरी है, यानी आप जिस तरह सबक याद कर लेते हो तो फिर आपको यू नो डाटा याद हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। इफ़ यू वांट टू वर्क विद योर मेमोरी तो आपको थोड़ा सा रिविजन्स की ज़रूरत होती है। एक ही दफ़ा चीज़ों को देख लेने से मेमोरी अजीब सी हमारे दिमाग की मेमोरी होती है, ये डाटा स्टोर नहीं करती है, तो लिहाजा हमें मेमोरी स्टोर करने का, यानी कि आपके दिमाग की जो USB है वो सेरेब्रम है, सारा डाटा स्टोर करती है। फिर स्पीच भी आपको हेल्प करता है, ये बोल रहे हैं जिस तरह मैं अभी ये वीडियो में बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रही हैं बातें। फिर डिसीजन मेकिंग का फैसला लेना है, जी मैंने फलां जगह जाना है, जॉब करनी है या नहीं करनी, तो आपने एक डिसीजन लेना है ना, या आपने खेलना है, दोस्त कह रहा है चलो यार खेलने चलते हैं, तो आपने एक डिसीजन लेना है, रादर वी जस्ट नीड टू गो और नॉट। तो आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है, आई डोंट नो, कुछ आप बिजी होते हो, कहीं पे कुछ जाना हो या किस तरह की चीज़। डिसीजन मेकिंग का फिनोमेना भी कौन कर रहा है, सेरेब्रम, यस दैट इज सेरेब्रम। उसके बाद स्टूडेंट्स थैलेमस आ जाता है, फिर थैलेमस का क्या फंक्शन है कि ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि आई डोंट नो, देखने का सेंसेशन आपके थैलेमस में जाता है, फिर टच का सेंसेशन भी आपके थैलेमस में जाता है, फिर आप सूंघने का सेंसेशन भी हो सकता है, मतलब बहुत से सेंसरी सिस्टम को जो है ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो इसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी आपकी बॉडी का थर्मामीटर हुआ ना ये, तो हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का थर्मामीटर, ये आपकी बॉडी को बताएगा जी टेम्परेचर बढ़ गया है, मसला हो गया है, टेम्परेचर कम है भाई, ठंडा पड़ी बॉडी, ठंडी पड़ी है भाई। जिस तरह वो होता नहीं है आपके कमरे में AC लग जाता है, तो आपके कमरे के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, AC कंट्रोल करता है, तो इसलिए आपके कमरे के टेम्परेचर को बरकरार रखने की कोशिश करता है कि भाई आपके कमरे के टेम्परेचर को वो 20 डिग्री पे बरकरार रखेगा, यानी कि आपका कमरा जो है वो बाहर बेशक 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है लेकिन आपका कमरा जो है वो यू नो कह लो कि ठंडा नहीं होगा, सॉरी गर्म नहीं होगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया। आपके भूख लगने को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, यानी तुहानू भुख लगदी पई है तो तुसी दिमाग से गल बालो कि हाइपोथैलेमस आपके लिए काम कर रहा है। उसके अलावा थर्स्ट, तुसी प्यासे हो गए हो, यू नो थर्स्ट मीन प्यास लगना, तो आपको प्यास लग रही है तो इसका ये प्यास लगने का अमल, यानी कि अगर आपको प्यास लगती है तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, यानी आपकी बॉडी को हाइपोथैलेमस पे काम पहुंचाता है कि इस बंदे को कहो कि ग्लास के पास जाए, पानी पी ले, प्यास लग रही है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं फोर ब्रेन में, तो मैंने आपको सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इनके फंक्शंस के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा हाइंड ब्रेन के फंक्शन के बारे में।
तो स्टूडेंट्स, अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये तो आपको पता होगा, दैट इज सेरिब्लम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। ये आपको याद होगा, तीन हिस्से मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछली थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको ये बताए थे। तो अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। अगर हम सेरिब्लम की बात करें, अभी हम सेरिब्रम की बात कर रहे थे जो कि एक फोर ब्रेन का हिस्सा था, तो अब ये सेरिब्लम है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। बेसिकली नो डाउट ये भी जो है, आप कह लें कि आपके जो ब्रेन है, इट इज़ वेरी एट द बैक साइड ऑफ योर ब्रेन, या आपके आपके ब्रेन की बैक साइड पे होता है, दैट इज़ सेरिब्लम। सो इसका क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली कंट्रोलर है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी ये भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, यानी आपको अगर मूव कर रहे हो तो फिर आपका ब्रेन का ये हिस्सा काम कर रहा होता है। इसके अलावा पॉन्स हैं, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस, इसके बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे ये सोने को कंट्रोल करता है, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो। स्वेलोइंग, यानी आप खा रहे हो तो अंदर चीज़ें निगलनी है कि नहीं निगलनी, यू नो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ थिंग, जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो अंदर नहीं जाने देता, बाहर निकाल देता है। एंड इक्विलिब्रियम, यानी आपको सीधा खड़ा रखता है, यानी क्या हो सकता है ना, सीधे खड़े हो जाओ तो फिर गिर जाओ, तो उसे डिग जाओगे अगर पॉन्स काम नहीं कर रहे। इसके अलावा टेस्ट क्या होता है, यानी कि आपको जायका आ रहा है, तुसी बड़ी मिर्चा वाली बिरयानी खा लेती है तो क्या, आई एम स्टिल जोकिंग। तो टेस्ट का काम भी कौन कर रहा है? पॉन्स कर रहे हैं। इसके अलावा फिर डेफिनेटली हम बात करेंगे मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा की। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जो है, इसका क्या काम है? इसका काम बेसिकली है आपकी धड़कन को जारी रखे, दिल दी धड़कन चलती रहे, तेज जिस्म भी साडा तुरता रहेगा, हार्ट बीट का यू नो फंक्शन है इसका। इसके अलावा ब्रीथिंग, आप सांस अगर लेना चाह रहे हैं तो उसी सांस लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था ज़रा पंजाबी टच मारा जाए वीडियो में, सो डोंट माइंड माय वर्ड्स, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं बोर ना करूँ। उसके अलावा आपको होता है डाइजेशन, आप बताएं डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन होती है, इसमें आप निज़ाम इन्हज़ाम को कहते हैं, यानी कोई चीज़ अगर हज़म कर रहे हो तो यू नो हज़म करने में भी चीज़ों को होना ज़रूरी है, तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा आपको हज़म करने में चीज़ों को, जैसे आपने गोश्त खा लिया उसको हज़म भी तो करना होता है ना, सो दैट मेक्स एन आइडिया कि अगर आपने मीट खा लिया है, यू नो आपने चिकन बर्गर खा लिया आपने, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा हेल्प कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपसे न्यूरॉन के फंक्शंस की, कि आखिर न्यूरॉन जो है वो क्या फंक्शंस में हेल्प कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपसे न्यूरॉन्स के फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स तो बहुत से हैं, बेसिकली इनकी थ्री टाइप्स हैं, जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो तीन किस्म के न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं, उनके फंक्शंस की बात करते हैं। अगर आप बात करेंगे सर सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, तो लुक एट दैट, ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसका फंक्शन है कि बेसिकली ये सेंस करता है, यू नो सेंस करता है, सो इट्स कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन लाइक ईयर्स, योर आईज, स्किन, टंग, नोज, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे ये आपके दिमाग तक सिग्नल्स पहुँचाता है, यानी यहाँ से इसमें सिग्नल नहीं है, ये न्यूरॉन आपके दिमाग में है, इसका इंटर न्यूरॉन इसका नाम है, तो ये आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है, नर्व इम्पल्स लेता है और आपके ब्रेन तक लेके जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो वहाँ तक ये लेके जाता है, कौन? सेंसरी न्यूरॉन्स, इसका ये फंक्शन है। उसके बाद अगर आप मोटर न्यूरॉन की मुझसे बात करेंगे, सर मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, तो मैं कहूँगा कि ये नर्व इम्पल्स लेता है फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये मोटर न्यूरॉन है इस वक्त नीचे, ये ब्रेन से जो है इम्पल्सिस लेगा, यू नो सम मैसेजेस लेगा, और फिर ये जो न्यूरॉन में आ जाएंगे, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन बेसिकली, और फिर आगे से ये हो सकता है कि ये मसल्स को मैसेज दे दे, इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं, जैसे लेट्स से दैट हमारे पास मसल्स हमारे इफेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी में और भी छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे आई डोंट नो लिवर आपका एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, इट्स अ बिग ग्लैंड लिवर, यू नो कलेजी, पंजाबी में से क्लेजा गए, जस्ट वांट टू से इट, वेल सो ये हमारे पास मैसेजेस लेता है, सो ब्रेन से मैसेजेस कौन ले रहा है? मोटर न्यूरॉन, और वो मोटर न्यूरॉन कहाँ पर मैसेजेस दे रहा है? इफेक्टर्स को, यानी कि मसल्स को, यानी कि ग्लैंड्स को, तो आपने याद, ये इसका फंक्शन है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे इंटर न्यूरॉन्स की, तो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? आपके ब्रेन में, भेजे में होते हैं भाई, ब्रेन आपका भेजा है, और यू नो स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने आपको पिछले भी तस्वीर दिखाई थी समटाइम्स बिफोर, यू नो उसमें ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो जो मैसेज लेकर आ रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं।
फिर जो ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इनको मैसेजेस दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि करना पाजान करना कि नहीं करना और फिर व्हाटएवर जो भी करना है। तो उसके बाद फिर ये मैसेजेस वापस कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी मसल्स, राइट, टुवर्ड्स दी मसल्स जो कि फैक्टर्स कराते हैं। सो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, अंदर ग्लैंड्स भी बॉडी में बहुत सकते हैं, ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा सब्र करें, आगे आने वाली क्लासों में ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। चलें आप ऐसा करें, कमेंट करें मुझे, आप कुछ ग्लैंड्स के नाम कमेंट करें, राइट। तो बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, आई होप कोई ना कोई नाम आपके दिमाग में होगा, आप कमेंट करेंगे, राइट। कोई नाम बताएं ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, ये कहाँ पर होता है, चलें ये कमेंट कर दें, राइट जी। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे आपसे हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की, ये किडनी के अंदर होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन्स, राइट। सो नेफ्रॉन की बात करते हैं, इसके क्या फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे नेफ्रॉन का फंक्शन कहाँ से ढूंढें, तो आपने ढूंढना है फंक्शन ऑफ किडनीज, बेसिकली नेफ्रॉन का ही फंक्शन होता है। सबसे आप लिख लें कि नेफ्रॉन में ब्लड आता है, राइट, ब्लड कैरीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती हैं, एंड फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज, और जो ब्लड है बॉडी से कहाँ पर आता है, किडनीज में। तो इनसाइड द किडनीज उसमें यू नो ब्लड आता है, तो ब्लड कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और फिर नेफ्रॉन में आ जाता है ब्लड, राइट। कहाँ पर आ गया, ग्लोमेरुलस में आ गया, यू नो नेफ्रॉन इज अ बिग बॉडी, लुक एट दैट, ये है ग्लोमेरुलस, क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस, यस ग्लोमेरुलस। सो हियर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल, तो यहाँ से ब्लड से सारा कुछ जो है वो कहाँ पर आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में, ये कैप्सूल होता है आगे जाके, मतलब एक ट्यूब्स ही है, सो उसमें आ जाता है। सो आप फंक्शन लिखना चाह रहे हो तो राइट व्हाट यू कैन राइट, सो इट क्लीन्स द ब्लड, राइट, आपके ब्लड को साफ किया जाता है। सो आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में कि इट मेक्स यूरिन। सो ओके फाइन, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ आपको, राइट जी। तो स्टूडेंट्स अगर फंक्शन की बात करें तो इसका काम है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालना, ब्लड में से बाहर निकालना, नेफ्रॉन ये काम करता है। इसके अलावा ये यूरिन बनाने में हेल्प करता है, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप बोलोगे सर ब्लड प्रेशर तो हार्ट मेंटेन करता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि किडनीज भी इसमें रोल अदा करती हैं, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी किडनीज भी इसमें हेल्प करती हैं। और आपको एक बात बताएं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए ना तो आपकी किडनीज पर सबसे पहले इफ़ेक्ट पहुँचता है, हो सकता है आपके गुर्दे फेल हो जाए, आपके गुर्दे काम करना बंद कर दें, दैट्स अ बैड न्यूज़, लेकिन बताना ज़रूरी थी। सो आप अगर अच्छी सेहत वाली चीज़ें खा रहे हैं तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सो फिल्टर्स एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, आपकी बॉडी में जो आप बहुत सा नमक खाते हैं तो उसको भी नेफ्रॉन्स एक्स्ट्रा सॉल्ट को यू नो यूरिन में डाल देते हैं, और आपकी बॉडी में ब्लड में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो फिल्टर हो जाता है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1.4 की तरफ चलते हैं, और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपने जो है वो लिखना है, और उसमें हमने लिखना है कि गिव एट लीस्ट एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, ये सब इनवॉलंटरी के लिख लें, एग्जांपल डिफाइन करना है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन की डेफिनेशंस लिख लें आप, और इसके बाद आपने इंटर न्यूरॉन्स के बारे में भी लिखना है तो ये लिख लें आप, स्किन को भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर किया जाता है तो ये इसकी बात है, ये आप लिख लें कि स्किन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो पसीने के दौरान जो है वो निकाल देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 1.6, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी तो स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये बेसिकली हमारे दिमाग और जो यू नो कंटेन करता है, बेसिकली जो ब्रेन है हमारा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर है, और ये हमारे तकरीबन सारे नर्वस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो CNS है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम लेट्स से दैट ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो है हमारे पास आपको पता है कि एक स्कल होता है, हड्डी की तरह का स्कल होता है, हम क्रेनियम कहते हैं इस खोपड़ी को, स्कल को आप क्रेनियम कहेंगे, और ब्रेन जो है इसमें बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड हैं ब्रेन के।
अगर हम ब्रेन की क्लासिफिकेशन करें तो ब्रेन को हमने फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में जो है डिवाइड कर दिया। फोर ब्रेन में भी आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको नाम याद करवाया इसके पार्ट्स के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और सेरिब्रम के क्या फंक्शन होते हैं इसके ऊपर भी हमने बात ऑलरेडी कर ली हुई है, फिर थैलेमस पे भी बात कर ली हुई है और हाइपोथैलेमस पे भी बात कर ली हुई है। उसके बाद आपका जो ब्रेन का हिस्सा है दैट इज़ मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन भी जो है डेफिनेटली ये एक रिले सेंटर है, यानी आपका जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है उसमें मिड ब्रेन आपको कनेक्ट करने का काम करता है, सबसे बड़ा काम इसका तो ये है। पर हाइंड ब्रेन भी है, और हाइंड ब्रेन के जो तीन हिस्से आपने मैंने याद करवाए आपको, उसमें सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसमें शामिल है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इनके ऊपर भी हमने काम किया था, सेरिब्लम के क्या फंक्शन है, पॉन्स के क्या फंक्शन है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या फंक्शन है, आप इस वक्त स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक पर नोट डाउन कर लें इसको। सो ये हमारे पास है एक्सप्लेन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने आपको ब्रेन तो एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। तो स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है डेफिनेटली एक पीछे एक हराम मक्स को कहते हैं, एक पूरी नाली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि मौजूद है। और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो बॉडी से जितने भी यू नो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितने भी मैसेजेस लेकर आता है वो पहले किसको देता है, स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और स्पाइनल कॉर्ड फिर आगे ब्रेन को दे देता है। ब्रेन फिर कंट्रोल सेंटर है, वो सोचता समझता है, उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड फिर आगे से इफेक्टर्स को मैसेज देता है, मसल्स वगैरह को या ग्लैंड्स वगैरह को। स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, कुछ जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी में मौजूद हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दें, वो डायरेक्ट ब्रेन को भी दे सकते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स तो बात करते हैं 1.7 की, डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं, ये बहुत से इसमें आपको पता है के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बॉडी में होते हैं, ठीक है, ब्रेन में जो होते हैं उनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो बॉडी में होते हैं उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर हमने मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन में नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते, तो ये बिकम ये पेरिफेरी में होते हैं, पेरिफेरी यू नो, तो दैट बिकम्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी में होते हैं ताकि दे जस्ट रियली वांट टू कनेक्ट द बॉडी टू द ब्रेन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ कनेक्शन दे सकें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो यू नो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी किस्में हैं, इसमें कुछ ब्रेन से सीधे जा रहे हैं बॉडी में या ब्रेन की तरफ आ रहे हैं बॉडी से, तो इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। सो अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड दी क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, so the nerves which arise from the spinal cord are called spinal nerves। और number of nerves in human body कितनी है, तो ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सा ज़बरदस्त बात आपको पता होनी चाहिए कि जो cranial nerves हैं वो 12 हैं, यानी 12 तारे निकल रही हैं ब्रेन में से, और इसी तरह से 31 तारे निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड में से, तो एक 21 pairs of spinal cord, pairs का मतलब है कि you know we just have a two parts of the brain and two parts of the spinal cord, जैसे यहाँ से जो है you know यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं और यहाँ से क्रेनियल नर्व्स, तो ये पेयर होगी ना, दैट बिकम्स द पेयर, सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो स्टूडेंट्स 1.8 की तरफ चलते हैं, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से बाहर निकालना, एनीथिंग विच इज नॉन सेंस इन साइड द बॉडी, जो चाहिए नहीं, दैट इज बेसिकली वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम मटीरियल, कोई भी मटीरियल हो सकता है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली मैं किडनीज को इसमें लेकर आऊँगा, स्किन को इसमें लेकर आऊँगा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका जो स्टमक है स्पेसिफिकली, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी काफ़ी वेस्ट को बाहर निकालता है। सिस्टम दैट थ्रू विच एक्सक्रीशन इज डन, एक्सक्रीशन होने वाला सिस्टम जहाँ से है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि जो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, जैसे ऑक्सीजन विद फूड मॉलिक्यूल्स वगैरह रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस रिएक्शन एनर्जी पैदा करता है, जब फूड और यू नो डाइजेस्ट हो जाता है तो एनर्जी पैदा करता है, तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी पैदा करता है। एनर्जी तो चाहिए थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नहीं चाहिए था, ये साथ यू नो एक्स्ट्रा पैदा हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये एक वेस्ट चीज़ है, सो इसको क्या चाहिए, इसको बॉडी से निकल जाना चाहिए। So the waste products in the body also include nitrogenous you know material and the salts. सिर्फ आप ये ना कहोगे water और carbon dioxide ही waste है, कुछ nitrogenous waste भी होती है और कुछ salts भी जो है waste में आ जाएंगे।
तो वेस्ट मटेरियल वही है जो हमने बॉडी से बाहर निकाल देना है, और सम एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो स्किन से हम निकाल देंगे, और वाटर वगैरह के लिए तो डेफिनेटली वी हैव अ किडनीज एंड प्रॉपर यूरिनरी सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। सो अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें आपसे कि इम्पॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीशन की, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को डेंजरस किस्म के मादों से यू नो उसकी जान छूट जाती है, तो वो एक एसेंशियल प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर हम बात करेंगे कि दो यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। इफ़ आई जस्ट लुक एट द डायग्राम, तो ये आपको दो यूरिटर्स नज़र आ रहे हैं, राइट। सो दो यूरिटर्स हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है, ये बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है और ये किडनीज भी इसमें इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स 1.9 सवाल की बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो लें जनाब, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें आपको मिलेगा रीनल कॉर्टेक्स, ये सारी जगह रीनल कॉर्टेक्स होती है। फिर रीनल मेड्यूला, ये अंदर जो आपको पैरामिड की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर रीनल मेड्यूला। और फिर में ये सारी इकट्ठे हो रही हैं, यू नो एक नालियाँ बन रही हैं, खून आ रहा है, खून जा रहा है, और फिर यूरिन का भी एक सिस्टम नीचे बाहर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, राइट। इसको हम रीनल पेल्विस का नाम दें। जी तो स्टूडेंट्स याद रखो, फिर नेफ्रॉन भी जो है हमारा यू नो एनाटॉमी होगी डेफिनेटली। एक इंटरनली नेफ्रॉन्स होते हैं, कोई 1,000,000 नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक किडनी में होते हैं, और डेफिनेटली 2,000,000 नेफ्रॉन्स होंगे दोनों किडनीज में। और रीनल कॉर्पसल यानी कि वी हैव अ स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, यू नो ब्लड कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहेंगे, गुच्छे ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहेंगे, और जो वुमेंस कैप्सूल होगा इस गुच्छे को उसने अपने अंदर लिया होगा। जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये मेरा हाथ है और ये अंदर है, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू डू इट। ओके, सो जैसे ये मेरा हाथ है और ये ग्लोमेरुलस है, दिस इज ग्लोमेरुलस, और ये कैप्सूल है, राइट। सो दैट बिकम्स द कैप्सूल, सो दैट बिकम्स द ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। बोमन साइंसदान था जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। सो दैट मेक्स द आइडिया स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो अभी मैं आपको कोशिश कर रहा था बताने की। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर 1.10। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन को अगर हम बताएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। और ये रीनल कॉर्पसल होता है, ग्लोमेरुलस बोमन्स होता है इसके अंदर, इसके बारे में आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्ट्रक्चर लाजमी ड्रॉ कर लीजिएगा। और साथ में आपको ये दिखाऊंगा कि ये रीनल टिब्यूल होता है, रीनल टिब्यूल के साथ प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले या डिस्टल टिब्यूल है, इसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहेंगे, इसको डिस्टल कहेंगे, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट, इसके बारे में आप लिख लें। सो दैट्स इट, ये है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन, रीनल फेलियर, डायलाइजर, ये तीन चीज़ें हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन पे पहले बात कर लेते हैं, ये अगला सवाल है। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन को अगर आपने लिखना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर हेयर। ये एक ऐसा एक्शन है जो आपका जो है, लेट्स से दैट के कोई सिग्नल आया बॉडी से आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि आपके ब्रेन को वो सिग्नल दे, लेकिन ये खुद ही ब्रेन बन जाता है, ब्रेन को सिग्नल नहीं देता। और फिर ये होता है कि ये दोबारा मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल दे देता है, और मोटर न्यूरॉन्स यू नो आपके मसल्स वगैरह ग्लैंड्स वगैरह को सिग्नल दे देते हैं, तो ब्रेन को पता भी नहीं होता और बॉडी परफॉर्मेंस दे देती है। जिस तरह आपने कभी रमज़ान के महीने में पकोड़े के तेल के पास खड़े हो और आपका हाथ गलती से तेल में लगा हो, तो आपकी ब्रेन की मर्ज़ी के बगैर आपके मसल्स ने मूवमेंट की हो और आपका हाथ पीछे हो गया हो, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में यही लिखेंगे आप, एक इमीडिएट इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बन जाता है। जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होना था वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। एग्जाम्पल में क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक्सप्लेनेशन में आप ये बातें लिख दें। तो फिर ये है हमारे पास सारा सिनेरियो जिसमें हम सब ये बातें लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लिख लें इसको। स्टूडेंट्स रीनल फेलियर पे बात करते हैं, किडनीज अपना काम करना छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्योंकि पहली वजह ये हो सकती है कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहा किडनी में, मसला रहा, यू नो बैक्टीरिया रहने आ गए, नेफ्रॉन उड़ा दिए, ख़राब कर दिए, ट्यूब शूब में घुस गए, या फिर डायबिटीज मिलिटस आपको शुगर है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने से भी मसला बन जाता है। हाइपरटेंशन जो लोग रहते हैं टेंशन में रहते हैं, उनकी भी किडनी फेलियर हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, तो दैट्स वाई वो मसले में रहते हैं। और सडन ब्लॉकेज भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका रीनल फेलियर होता है। तो ये चार हेडिंग्स याद कर लीजिएगा ताकि आपका ये मसला ना हो क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे आखिर में डायलाइजर एक मशीन होती है, ये आपके सामने आपने डायग्राम भी बनानी है इसकी। और होता ये है कि जो ब्लड है वो बेसिकली इस मशीन में आता है, तो फिर साफ़ हो जाता है, एक्स्ट्रा वेस्ट यहाँ पर इस डिब्बे में इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से कुछ
जो डायलाइजर फ्लूड होता है वो भी मशीन में डालना होता है, तो यहाँ से फ्लूड डायलाइजर मशीन में जाता है और फिर आपका ब्लड यहाँ से एंटर करता है, सारा साफ होने के बाद दोबारा आपकी, या याद रखना निकाला वेन से जाता है, डाला आर्टरी में जाता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये नहीं होगा कि वेन से निकाल के वेन में डाल दोगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो ये होगा पैराग्राफ जो आपने लिखना है, आई होप सो आप याद कर लोगे। सो दैट्स इट, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम में क्या क्या फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इस डायग्राम में क्या क्या फिलिंग होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है वो फिलिंग जो आपने करनी है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन, टर्मिनल एक्सॉन्स एंड सेल बॉडी, ये है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। तो अगली डायग्राम ये है जहाँ पे आपने लिखना है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और बस ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप सारी बातें कर ली सारे क्वेश्चन के बारे में, और दैट्स इट, अभी हम यहीं पर रहेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक्स उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। स्टे अप विद जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।